नमस्कार दोस्तों, चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल पितृ पक्ष पर चंद्र ग्रहण की छाया है। दरअसल साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष में लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। बता दें कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि 17 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी बताएंगे कि ग्रहण कब लगेगा, कब समाप्त होगा, भारत में इसका क्या असर होगा या दोस्तों नहीं, तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। पितृपक्ष में लगने वाला चंद्र ग्रहण आधिकारिक तौर पर बुधवार 18 सितंबर को होगा। ये ग्रहण ज़्यादातर दूसरे देशों में नजर आएगा, इसी वजह से भारतीय लोग संशय में हैं। दरअसल विदेशी समय के अनुसार यह ग्रहण वहां 17 सितंबर की रात को दिखेगा। हालांकि भारतीय समय के अनुसार यह 18 सितंबर को सुबह लगेगा। 18 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण का समापन दोपहर 10:17 पर होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 5:04 की होगी। पितृपक्ष में लगने वाला यह उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण दुनिया भर के 5 महाद्वीपों में दिखाई देगा, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये चंद्र ग्रहण दोस्तों भारत में नजर नहीं आएगा। ऐसे में साफ है कि जब ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। लोगों को सूतक काल के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देता तो सूतक काल के नियमों का पालन किया जाता। इस उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन यह कुछ राशियों की बंद किस्मत का दरवाजा खोल देगा और उन्हें धन लाभ होगा। चंद्र ग्रहण वृषभ, तुला और धनु राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इन राशियों के जातकों की धन की स्थिति भी बेहतर होगी। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 18 सितंबर 2024 को दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। किसी भी तरह के दोस्तों नियम आपको नहीं मानने होंगे, क्योंकि ये ग्रहण जब लगेगा उस वक्त भारत में सुबह के करीब 6 होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि ग्रहण से पहले कई देशों पर संकट आया हुआ है। ग्रहण से पहले भूकंप, आंधी, तूफान, जमकर बारिश हो रही है। इस ग्रहण से पृथ्वी पर उथल पुथल मच रही है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी बड़ी भविष्यवाणी की है कि इस ग्रहण के बाद भी कई देशों में भूकंप की स्थिति, आंधी तूफान की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चंद्र ग्रहण को लेकर। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।